अफगानिस्तान में जिंदगी मांगना है गुनाह। बिजली और साफ पानी मांग रहे थे प्रदर्शनकारी। जवाब में अफगानिस्तान के सुरक्षा बलों ने बरसाई गोलियां। अफगानिस्तान में क्यों हो रहा था प्रदर्शन। नमस्कार, मैं नेहा परिहार दुनिया दरबार में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अफगानिस्तान में हुई एक घटना ने दुनिया भर के लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या इंसान के लिए अपनी बुनियादी सुविधाएं मांगना भी एक गुनाह है। मनुष्य जीवन के लिए रोटी, कपड़ा और मकान बुनियादी जरूरत में गिना जाता है। कपड़ा और मकान तो बाद में आते हैं, पर सबसे पहले सवाल तो रोटी का उठता है। लेकिन अफगानिस्तान में अगर कोई व्यक्ति इन बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार से मांग करता है तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं और क्या है पूरी खबर, चलिए बताते हैं आपको विस्तार से। उत्तरी अफगानिस्तान में स्वच्छ पानी और बिजली की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों ने मंगलवार को गोली चला दी। इस गोलीबारी में 42 लोग जख्मी हुए तो वहीं 3 लोगों की मौत भी हो गई। प्रदर्शनकारियों और क्षेत्रीय अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। अफगानिस्तान के फैजाबाद शहर के गवर्नर दफ्तर के बाहर साफ पानी मुहैया कराने की मांग के लिए करीब 200 प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए थे। वे सभी प्रदर्शनकारी एक नए बिजली संयंत्र के उद्घाटन के फौरन बाद ही दफ्तर के बाहर पहुंचे थे। प्रदर्शनकारी चाहते थे कि गवर्नर मोहम्मद जकारिया उनकी मांगों पर प्रतिक्रिया दें, लेकिन तभी उनके दफ्तर के बाहर तैनात सुरक्षाकर्मियों ने उन पर गोलियां चला दी। सभी घायल प्रदर्शनकारियों को प्रांतीय अस्पताल ले जाया गया, जहां 3 लोगों के मौत की पुष्टि हुई। हालांकि प्रांतीय गवर्नर ने अब तक अपने दफ्तर के बाहर हुई इस घटना पर कोई भी टिप्पणी नहीं की और ना ही प्रदर्शनकारियों की मांग का कोई जवाब दिया है। वहीं प्रांतीय पुलिस ने भी इस गोलीबारी की घटना की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया है। प्रांतीय पुलिस प्रवक्ता ने कहा है कि गवर्नर के सुरक्षा कर्मियों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई है, ना कि पुलिस ने। इस बीच कुछ स्थानीय नेताओं ने गोलीबारी में हुई मौत के लिए तालिबान को जिम्मेदार माना है। उन्होंने कहा है कि तालिबान के लड़ाके फैजाबाद शहर के दरवाजे तक पहुंच गए हैं। अपनी बात की पुष्टि करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि पश्चिमी गोर प्रांत में तालिबानी लड़ाकों और अफगान सरकार के बलों के बीच गोलीबारी में फंसने से 5 नागरिकों की मौत भी हो गई है। इससे पहले भी रविवार को खबर आई थी कि अफगानिस्तान के उत्तर पश्चिम में यात्रियों को ले जा रही एक मिनी वैन सड़क किनारे लगाए गए बम विस्फोट में क्षतिग्रस्त हो गई थी। इस बम धमाके में 3 बच्चों सहित 11 यात्रियों की मौत हो गई थी। एक अफगान अधिकारी ने रविवार को इसकी जानकारी दी। बता दें कि किसी भी आतंकी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली थी, लेकिन प्रांतीय सरकार ने तालिबान पर इन आतंकी घटनाओं का ठीकरा फोड़ा था। सरकार ने तालिबान पर यह आरोप लगाया कि आतंकी संगठन तालिबान ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए सड़क किनारे बम रखा था। हालांकि तालिबान ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। अफगानिस्तान में बार बार होती हैं ऐसी घटनाओं और सरकार द्वारा इन घटनाओं के लिए तालिबान को ही जिम्मेदार ठहराना मन में बहुत से प्रश्न उजागर करता है। लेकिन किसी भी देश में यदि आम जनता अपनी बुनियादी सुविधाओं की मांग के लिए जन सेवकों के समक्ष जाए और जवाब में उन्हें मौत दी जाए, उनके जिस्म पर जख्म दिए जाए, तो क्या यह संवैधानिक नजरिए से उचित है। अफगानिस्तान की सरकार को फौरन इस मामले पर संज्ञान लेते हुए प्रांतीय गवर्नर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करनी चाहिए और आम जनता के लिए स्वच्छ पानी की व्यवस्था जल्द से जल्द उपलब्ध करवानी चाहिए। वहाँ की सत्ता को इस शर्मनाक घटनाओं को छुपाने के लिए तालिबान नाम के पर्दे का सहारा नहीं लेना चाहिए। साफ पानी मुहैया कराने की मांग करना जनता का पूरा पूरा अधिकार है। गोलीबारी कर स्थानीय प्रशासन जनता की आवाज़ दबा नहीं सकती। यह थी आज की मुख्य खबर। अब रुख करते हैं आज की सुर्खियों की ओर। पहली सुर्खी, दुनिया भर में कोरोना वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जोरों पर है। इस बीच दुनिया के कई देशों में 12 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों को भी वैक्सीन लगनी शुरू हो चुकी है। इसमें अमेरिका, कनाडा समेत दुनिया के कई देशों के नाम शामिल हैं। अमेरिका की कोरोना वैक्सीन बनाने वाली फाइजर कंपनी ने
ऐलान किया है कि वो जल्द ही 12 साल से कम उम्र के बच्चों पर एक बड़ा क्लिनिकल ट्रायल करने जा रही है। दूसरी सुर्खी, दक्षिणी फ्रांस के दौरे पर पहुंचे राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों को एक व्यक्ति ने भीड़ का फायदा उठाते हुए थप्पड़ जड़ दिया, जिसके बाद से ही इस घटना का वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में साफ दिखता है कि कैसे एक शख्स ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति से हाथ मिलाने के बाद उन्हें थप्पड़ जड़ दिया। हालांकि सुरक्षाकर्मियों द्वारा उस व्यक्ति को फौरन पकड़ लिया गया है। तीसरी सुर्खी, भारत चीन सीमा पर हुई हिंसक झड़प के बाद से LOC पर से सैनिकों को हटाने के लिए दोनों देशों के बीच अब तक कई बार सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन लद्दाख के इस अशांत इलाके में जैसे जैसे बर्फ पिघल रही है, वैसे वैसे चीनी सेना इस इलाके में अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है, जो भारत के लिए अब चिंता का विषय बन रहा है। चौथी सुर्खी, कोरोना वायरस संकट के बीच अमेरिका के मिशिगन में अब नए वायरस हंता वायरस के संक्रमण का खतरा मंडराने लगा है। दक्षिण मिशिगन में एक महिला हंता वायरस से संक्रमित पाई गई है। बताया जा रहा है कि इससे पहले महिला चूहों के संपर्क में आई थी, जिससे उसे यह वायरस मिलने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल महिला का इलाज अस्पताल में चल रहा है। दुनिया दरबार में आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे आपसे अगली रिपोर्ट में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और देखते रहिएगा मीडिया दरबार। धन्यवाद।